नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, कल आपके साथ जो चर्चा की गई थी वो गुप्त राजवंश पे की गई थी, और गुप्त राजवंश में जिनमें से चर्चा की गई थी उनमें से गुप्त कौन थे, उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था, इस राजवंश का संस्थापक कौन था, उसके कौन कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें याद करनी बताई थी, उसके बाद दूसरे शासक के बारे में, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताते समय आपको बताया था ये गुप्त वंश का वह शासक था जिसने अपने उत्तराधिकारी का चयन योग्यता के आधार पर किया था। इतिहास में ऐसा कार्य करने वाला ये प्रथम शासक था, और जिस युवराज का इसने योग्यता के आधार पर निर्धारण किया था उस युवराज का नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का एक महान शासक है, और आपको यह बता भी दिया गया था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछे कि गुप्त राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था तो आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। पहले बड़ा आपके साथ में बात कर लेता हूं कि इस शासक के इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे। यहां अगर अभिलेख स्रोत पूछता है तो आपको दो बातें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि समुद्रगुप्त के इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। बड़ा एक का नाम था बड़ा प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरे का नाम था एरण अभिलेख। यहां आपको ये दो बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है जिनमें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का वृतांत मिलता है। पहली बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। हालांकि यहां से आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो तो इसकी दिग्विजयों का पूछा जाता है, और यहां मैंने आपको जो बात बताई है वो इसके इतिहास जानने के स्रोत। प्रयाग प्रशस्ति है बड़ा, इसे क्या कहते हैं, कौशाम्बी लेख भी कहते हैं और इलाहाबाद लेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति आए तब भी यही है, कौशाम्बी लेख आए तब भी यही है, और इलाहाबाद लेख आए तब भी यही है। इसके रचयिता कौन थे, हरिशरण थे। कौन थे, हरिशरण थे। दूसरा कौन था, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख के रचयिता कौन थे बड़ा, यहां आपको भानुगुप्त का नाम याद होना है। किसका नाम है, भानुगुप्त का। अब क्या है, इसमें उसकी विजयों का सिलसिलेवार वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में क्या मिलता है, इसमें कई बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आपके अति लघुरात्मक प्रश्न भी या बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो आपका उत्तर होगा एरण अभिलेख। इस अभिलेख के रचयिता भानुगुप्त थे। इसमें सर्वप्रथम सेनापति गोपराज की पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। यहां दोनों के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं तो आप हरिशरण कर देंगे, इसके रचयिता हैं तो आप भानुगुप्त कर देंगे। समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का वर्णन किसमें मिलता है, तब आप प्रयाग प्रशस्ति कर देंगे, और सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है, एरण अभिलेख में, और इसके रचयिता कौन थे, भानुगुप्त, और इसमें किसका सती होने का उल्लेख है, सेनापति गोपराज की पत्नी का सती होने का उल्लेख है। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो आपसे अक्सर पूछी जाती है, उसी पर आपके साथ चर्चा की जाएगी, वो है समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का सिलसिलेवार या क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की विजय बड़ा, उसकी विजयों को अभिलेखों में तो तीन भागों में विभाजित किया गया है, वैसे उसकी विजयों को सामान्यतः पांच भागों में विभाजित किया गया है। यह उसकी विजय कौन कौन सी बड़ा, पहली विजय है उसकी आर्यवर्त, आर्यवर्त प्रदेशों की विजय, आर्यवर्त प्रदेशों की विजय। इस विजय में क्या बेटा, ये उत्तरी भारत के विजय प्रदेश थे। किसके थे, उत्तरी भारत के प्रदेश थे। यहां आपको क्या, इसने इन विजयों करने के लिए जिन नीतियों का अनुसरण किया था उन नीतियों के नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। ये उत्तरी भारत आर्यवर्त के प्रदेश, ये उत्तरी भारत के प्रमुख राज्य थे। यहाँ उसने क्या किया, समुद्रगुप्त ने इन प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए परसोबोधन नीति का अनुसरण किया बड़ा। कौन सी नीति का, परसोबोधन नीति का। ये कौन सी नीति थी, इन प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त करके, इन प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके उनके ऊपर अपना इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि आर्यवर्त के जो प्रदेश थे
उनके राजाओं के नाम हैं वो तो मिलते हैं, उनके प्रदेशों के नाम नहीं मिलते। इसलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि इन प्रदेशों के ऊपर समुद्रगुप्त ने विजित करके इन्हें अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया था, अर्थात यहाँ परसोबोधन की नीति का अनुसरण किया था। क्यों यहाँ के शासक थे जिनके नामों का उल्लेख मिलता है कि रुद्रदेव था, मतिल था, नागदत्त था, नागसेन था, गणपति नाग था, चंद्रवर्मा था, अच्युत था, नंदी था। इसका मतलब साफ है, राजा के नाम का उल्लेख है, राज्य का उल्लेख नहीं है। इन राज्यों को उसने विजित किया और विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, अर्थात इन राज्यों के ऊपर उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। और इसे क्या कहा गया? परसोबोधन की नीति, अर्थात समुद्रगुप्त की वह कौन सी विजय थी जिसे विजित करके उसने अपने राज्यों में मिला लिया था, अर्थात अपने राज्य में विलय कर लिया था। तो ये तो क्या थी? आर्यवर्त के प्रदेशों पर विजय। अब बड़ा उसकी दूसरी विजय पर बात करेंगे, ये थी उसकी दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ की विजय, यहां सीधा तो बड़ा आपको तीन शब्दों को नाम याद करना है आपको कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए कौन सी नीति का अनुसरण किया था। यहां विजय के लिए वो जिस नीति का अनुसरण करते हैं उसे ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष की नीति कहते हैं। ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष की नीति का अनुसरण किया था। कौन सी? ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष की नीति का अनुसरण किया था। दक्षिणापथ पे समुद्रगुप्त ने क्या किया? दक्षिण प्रदेश उसे पता थे, ये दूरस्थ प्रदेश थे, इन प्रदेशों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि इन प्रदेशों के ऊपर विजय प्राप्त की जाए। विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्हें अधीनता स्वीकार करने के पश्चात इनके राज्य इन्हें वापस लौटा दिया जाए। इसलिए उसने यहाँ जिस नीति का अनुसरण किया था उसे ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष की नीति कहा गया था। ग्रहण का मतलब था शत्रु के राज्य के ऊपर अधिकार करना, अनुग्रह का मतलब था उसके ऊपर दया करना और मोक्ष का अर्थ था दया करके उसे उसका राज्य वापस लौटा देना। इस बात की पुष्टि कैसे होती थी कि यहाँ दोनों के नाम मिलते हैं, यहाँ राजा का भी नाम मिलता है और उसके प्रदेश का भी नाम मिलता है। जैसे उदाहरण के जरिए बताए कि कौशल का महेंद्र था, महाकांतर का व्याघरराज था, गिरिकोटर का स्वामीदत्त था, कांची का विष्णुगोप था और एरणपोल का दमन था। यहाँ क्या? राजाओं और राज्य दोनों के नामों को मिलता है। इसलिए स्पष्ट है कि इन प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त करके अपनी अधीनता स्वीकार करवा करके इनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए थे। पहली नीति आए तो आप क्या करेंगे? आर्यवर्त अर्थात उत्तरी भारत के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए जहां उसने परसोबोधन की नीति का अनुसरण किया था, वहीं दक्षिणापथ की विजय के लिए उसने ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष की नीति का अनुसरण किया था। तीसरा था बड़ा सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय। सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय, सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय, इसको बड़ा ध्यान रखना है। उसने अपने सीमावर्ती प्रदेशों को दो भागों में बांट लिया था। एक तो वह सीमावर्ती प्रदेश थे जो पूर्वी सीमा पे थे और एक वह सीमावर्ती प्रदेश थे जो पश्चिमी सीमा पे थे। पूर्वी सीमा पर जो प्रदेश थे उनके नाम क्या क्या थे? बड़ा समतट, पूर्वी सीमा पर कौन थे? समतट, ये पूर्वी सीमा के उसके राज्य थे। इनमें कौन कौन से थे? समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल और करतारपुर थे। बड़ा ये पूर्वी थे। अब पश्चिमी, पश्चिमी कौन कौन से राज्य थे? मालव, योधे, प्रार्जुन, शनकानिक, काक और खरपालिक राज्य थे। यहां आपको तीन तरीके से इस बात को याद करना होगा। कौन कौन से तरीकों से याद करने होगा? बड़ा एक तो कि समुद्रगुप्त ने अपने सीमावर्ती प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया, तो आपका उत्तर होगा दो। कौन कौन से? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग था वहां शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था,
पश्चिमी भाग था वहां शासन का स्वरूप गणतंत्रात्मक था, और पूर्वी भाग के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे, तब आपका उत्तर आ जाएगा समतट, द्वाक, कामरूप, नेपाल और कर्तरपुर थे। और पश्चिमी भाग के कौन से थे, मालव, योधे, प्रार्जुन, शनकानिक, काक और खरपालिक थे। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद करनी है कि सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कौन सी नीति का अनुसरण किया था। तब आपको याद करना है, क्या आपको बताया था, क्या करना है, सर्वैकरदान, आज्ञाकरण और प्रमाणाकरण की नीति का। कौन से, ये तीन शब्द याद करने हैं, सर्वैकरदान, कौन सा, सर्वैकरदान, आज्ञाकरण, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन की नीति का अनुसरण किया था। प्रमाणागमन की नीति का अनुसरण किया था, क्या होंगे, ये राज्य उसे प्रतिवर्ष कर देते रहेंगे, आज्ञाकरण उन्हीं के आदेशों का पालन करता रहेंगे, प्रमाणागमन उसके सामने वो नतमस्तक होते रहेंगे। तो पहली नीति जहां आपको परसोबोधन की बताई थी, दूसरी नीति आपको ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष की नीति बताई थी, और तीसरे राज्यों के साथ सर्वैकरदान, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन की नीति का अनुसरण करना था। अब चौथी विजय उसकी कौन सी थी, आठविक प्रदेशों की विजय थी। कौन सी थी बेटा, आठविक प्रदेशों की। जैसे मैंने यहां लिख दिया, आठविक प्रदेशों पर उसने, आठविक प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया, आठविक प्रदेशों पर। यह आठविक प्रदेश बेटा विंध्याचल पर्वत के आसपास के 18 पर्वतीय राज्य थे। उस समय हस्तिनडाबला इन पर्वतीय राज्यों पर अपना राज्य कर रहा था, और यहां समुद्रगुप्त ने इनको जीतने के लिए कौन सी नीति का अनुसरण किया, पश्चारीकृत अर्थात सेवक बनाने की, अर्थात दास बनाने की। उन्होंने इन राज्यों के ऊपर विजय कर ली, और विजय करने के पश्चात इन राज्यों को अपने दास अर्थात सेवक बना लिया था। तो यहां उसने कौन सी, पाश्चारीकृत अर्थात दास बनाने की, पहली परसोबोधन, दूसरी ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष, तीसरी सर्वैकरदान, आज्ञाकरण और प्रमाणागमन, और चौथा पाश्चारीकृत। अंतिम विजय कौन सी थी, विदेशी जातियों पर विजय। अगर यहां पूछे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी विदेशी जातियों पर विजय प्राप्त की, तो आपका उत्तर क्या होगा, शक, कुषाण, पार्थियन, इन विदेशी जातियों पर, मरुण, क्या शक आए, कुषाण आए, मरुण आए, सिंहली आए, इन विदेशी जातियों पर उसने विजय प्राप्त की। इन विदेशी जातियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कौन सी नीति का अनुसरण किया, वहां आपको क्या, चार पांच शब्द याद रखने, गुरुत्मंदक, गुरुत्मंदक, कन्यायोपन, सब विषय मुक्ति शासन याचना, क्या, गुरुत्मंदक, कन्यायोपन, सब विषय मुक्ति शासन याचना, कि वह अपने राज्य में उसी राजचिन्ह को अपनाएंगे जिस राजचिन्ह को गुप्त अपनाते थे, वह अपनी राजकुमारियों की शादी गुप्त राजवंश में ही करेंगे, और वह अपना राज्य उन्हीं के आदेशों से संचालित करेंगे। ये समुद्रगुप्त की विजय थी, जिनके बारे में मैंने आपके साथ विजय के बारे में आपको बताया था। और याद रखना है, इन विजयों को उसने विजित करने के लिए किन किन नीतियों का अनुसरण किया था, इसे आपको याद रखना है। अगर इस टॉपिक से दूसरा बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो क्या, गुप्त काल की कला विज्ञान और प्रगति की समीक्षा कीजिए। तो पहला प्रश्न तो आएगा तो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में, और दूसरा आएगा तो कला विज्ञान, साहित्य और प्रगति की समीक्षा। हम कल समुद्रगुप्त से शेष प्रश्न हैं उनके बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।